अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सिलरी नर्व और उसकी इंजरीज। ठीक है, तो एक्सिलरी नर्व में हम उसकी रूट वैल्यू देखेंगे, उसका ओरिजिन देखेंगे कहाँ से हो रही है, और उसके बाद उसकी ब्रांचेस कोर्ट्स देखेंगे। ठीक है, फिर ब्रांचेस और उसके बाद एक्सिलरी नर्व की इंजरीज। तो एक्सिलरी नर्व की इंजरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उसके क्लिनिकल बेस्ड सिनेरियो क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो वो भी आखिर में हम आपको क्वेश्चन शेयर करेंगे जिसमें के उसके सारे पॉसिबल जो क्वेश्चंस उसमें पूछे जा सकते हैं वो हम कवर करेंगे। एक्सिलरी नर्व जो है ये इसकी रूट वैल्यू C5 C6 है, और ये स्मॉल टर्मिनल ब्रांच है पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस की, और ये एक्सिला में अराइज करती है और फिर ये कर्व करती है डीपली इनटू द एक्सिला और एंटर करती है क्वाड्रेंगुलर स्पेस को विद द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ठीक है, तो ये बाज दफ़ा एमसीक्यू में पूछा जाता है कि ये किस नर्व किस स्ट्रक्चर के साथ या किस किस वेसल के साथ जो है ये जाती है, किस वेसल के साथ जाती है इनटू द क्वाड्रेंगुलर स्पेस एज द नर्व पास, और फिर नर्व पास करती है थ्रू द स्पेस, इट कम्स इन क्लोज रिलेशनशिप विद द इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट और विद द मीडियल साइड एंड विद द मीडियल साइड ऑफ द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, और यहाँ पे ये फिर डिवाइड करती है इंटू इंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांचेस। हमने देखा कि एक्सिलरी नर्व जो है वो ब्रांच है पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस की। एक्सिलरी नर्व इज द ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस, और पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस की टर्मिनल ब्रांच है। तो एक टर्मिनल ब्रांच एक्सिलरी नर्व है और दूसरी टर्मिनल ब्रांच जो है वो रेडियल नर्व है। और यहाँ पे एक पॉइंट थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो पोस्टीरियर कॉर्ड, ये जो कॉर्ड्स होते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस के, ये पोस्टीरियर मीडियल और लैटरल क्यों कहलाते हैं? बिकॉज इनके दरमियान में से गुजर रही होती है एक्सिलरी आर्टरी जिसके रिलेशन में ये होते हैं। तो पोस्टीरियर कॉर्ड जो है वो पोस्टीरियर टू द एक्सिलरी आर्टरी होता है, मीडियल कॉर्ड मीडियली होता है और लैटरल कॉर्ड लैटरली होता है, तो इसलिए हम इनका नाम मीडियल लैटरल और पोस्टीरियर कॉर्ड रखते हैं। तो एक्सिलरी नर्व जो है दिस इज द ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम क्वाड्रेंगुलर स्पेस भी देख लेते हैं। क्वाड्रेंगुलर स्पेस इज फॉर्म बाय द इसकी जो बाउंड्रीज में अपर पार्ट में टीरीज माइनर है और लोअर पार्ट में टीरीज मेजर है, और उसके बाद मीडियली जो है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स एंड लैटरली इज द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। सो दीज आर द बाउंड्रीज ऑफ द क्वाड्रेंगुलर स्पेस। यहाँ पे एक्सिलरी नर्व की आपको दिखाया हुआ है कि रूट वैल्यू क्या है C5 C6। अच्छा, अगर एक्सिलरी नर्व का कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इसमें ये डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं अलॉन्ग विद द टेक्स्ट। तो एक्सिला में जो एक्सिलरी नर्व है ये शोल्डर जॉइंट को एक ब्रांच देती है, और उसके बाद फिर जब ये एंटर हो जाती है इंटू द स्कैपुलर रीजन, तो यहाँ पे इसकी क्वाड्रेंगुलर स्पेस में जब एंटर होती है तो इसके बाद इसकी दो डिविजन्स हो जाती हैं, एंटीरियर ब्रांच एंड पोस्टीरियर ब्रांच। एंटीरियर ब्रांच जो है वो डेल्टॉइड को सप्लाई करती है एंड स्किन ओवर द लोअर हाफ ऑफ द डेल्टॉइड, वाइल द पोस्टीरियर ब्रांच हैव आल्सो गॉट सम फाइबर्स विच आर सप्लाइंग द डेल्टॉइड, उसके अलावा टीरीज माइनर मसल को, और फिर ये कंटिन्यू करती है एज अपर लैटरल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म टू द स्किन ऑफ लोअर हाफ ऑफ डेल्टॉइड। सो अगेन हम देखते हैं कि ब्रांचेस कौन सी हैं। आर्टिकुलर ब्रांच है जो कि शोल्डर जॉइंट को सप्लाई करती है, एंटीरियर टर्मिनल ब्रांच है जो कि वाइंड डाउन करती है सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, और इसके अलोंग कौन सा वेसल होता है, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी होती है, और ये सप्लाई करती है डेल्टॉइड को और स्किन दैट कवर्स इट्स लोअर पार्ट, और उसके अलावा पोस्टीरियर टर्मिनल ब्रांच होता है जो कि टीरीज माइनर को देता है और फ्यू ब्रांचेस देता है डेल्टॉइड को, और उसके बाद इमर्ज करता है फ्रॉम द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द डेल्टॉइड एज द अपर लैटरल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म। अगेन यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि ये एक्सिलरी नर्व है और ये इसका रिलेशन दिखाया हुआ है विद दी, दिस इज द इंटीरियर ब्रांच एंड दिस वन इज द पोस्टीरियर ब्रांच, और ये इंटीरियर ब्रांच जो है ये वाइंड राउंड कर रही है अराउंड द सर्जिकल नेक। तो इंजरीज टू द एक्सिलरी नर्व, जब कभी इंजरी होती है, एक तो हम देखते हैं कि मैकेनिज्म क्या है इंजरी का। एक चूंकि एक्सिलरी नर्व, अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि एक्सिलरी नर्व जो है इट इज़ इन रिलेशन विद द इंफीरियर पार्ट ऑफ द जो शोल्डर जॉइंट का है
कैप्सूल है उसके साथ इसका रिलेशन है इंफीरियर पार्ट ऑफ द शोल्डर जॉइंट, इंफीरियर पार्ट ऑफ द कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट। सो जब ये इंफीरियरली शोल्डर जॉइंट डिसलोकेट होता है तो वहाँ पे एक्सिलरी नर्व डैमेज हो सकती है। उसके अलावा चूंकि ये सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के साथ रिलेटेड है तो फ्रैक्चर ऑफ द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस कैन ऑल्सो रिजल्ट इन डैमेज टू द एक्सिलरी नर्व। सो आपने यहाँ पे देख रहे हैं ये शोल्डर है, ये वाला जो शोल्डर है राइट साइड का ये नॉर्मल है और ये वाला शोल्डर लेफ्ट साइड का ये एबनॉर्मल नज़र आ रहा है। सो देर इज़ अ नॉर्मल कंटोर ऑफ द राइट शोल्डर वाइल द लेफ्ट शोल्डर द कंटोर इज लॉस्ट। तो चूंकि डेल्टॉइड जो है वो हमारा कंटोर बनाता है शोल्डर का, सो जब डेल्टॉइड पैरालाइज हो जाता है तो उसकी वजह से जो है शोल्डर का जो कंटोर है दिस इज लॉस्ट। एंड अगेन इट सप्लाइज द स्किन ओवर द लोअर हाफ ऑफ द लोअर हाफ ऑफ द डेल्टॉइड, तो उसके ऊपर जो स्किन है उसको ये सप्लाई करता है और ये आमतौर पे बैच एरिया भी कहलाता है। ठीक है, जिसमें कि हम बचपन में जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो आप बैच इस एरिया में लगाते थे, तो ये बैच एरिया भी कहलाता है। तो बैच एरिया में नमनेस होती है। सो अगेन दिस पिक्चर इज शोइंग द रिलेशनशिप ऑफ द एक्सिलरी नर्व विद दिस कैप्सूल इन्फीरियर पार्ट ऑफ द कैप्सूल ऑफ द शोल्डर ज्वाइंट। सो ये इमीजिएटली इसके नीचे पड़ा है, अगर शोल्डर की डिसलोकेशन जो इन्फीरियरली अगर हो जो विच इज़ द कॉमन वन, तो ये जो है एक्सिलरी नर्व को डैमेज करेगा। तो यहाँ पे देखें इन्फीरियर डिसलोकेशन हुई भी है एंड एक्सिलरी नर्व की जो ब्रांच है वो डैमेज हो रही है। सो नाउ द क्लिनिकल सिनेरियो क्वेश्चन। अच्छा, अब एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो सिंपल भी आ सकता है, एक्सिलरी नर्व का पूछा जा सकता है कि जी एक्सिलरी नर्व की रूट वैल्यू बताएं, ब्रांचेस कोर्स बताएं, ब्रांचेस बताएं, और उसके बाद उसकी कोई इंजरी पूछी जा सकती है। अच्छा, फिर दूसरे तरीके से क्या आ सकता है कि यही चीज़ें वो एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के अंडर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है फिर मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि अभी हम एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि एक 45 ईयर ओल्ड मेल कंस्ट्रक्शन वर्कर है, इट इज़ ब्रॉट टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर अ फॉल फ्रॉम द हाइट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 10 फीट, ही लैंडेड डायरेक्टली ऑन हिज राइट शोल्डर, अपॉन एग्जामिनेशन ही कंप्लेन्स ऑफ स्वेयर पेन इन द शोल्डर रीजन एंड इनएबिलिटी टू मूव हिज आर्म प्रॉपरली। अब जो अटेंडिंग फिजिशियन है नोट्स अ फ्लैटेंड अपीयरेंस ऑफ द डेल्टॉइड मसल, अगेन वो जो हमने बात की थी कि जो कंटोर ऑफ द शोल्डर है वो फ्लैटन हो जाता है, एंड डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग एबडक्शन ऑफ द आर्म बियॉन्ड 15 डिग्रीज। तो यहाँ भी ये भी काबिल जिक्र है बात कि 15 डिग्री जो है वो कौन कर रहा है और उसके बियॉन्ड फिर डेल्टॉइड मसल ने करना था जो कि अब वो नहीं कर पा रहा। सो एडिशनली देर इज़ अ नोटिसेबल लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द शोल्डर, हिज एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ राइट शोल्डर शोड फ्रैक्चर ऑफ सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। तो अब इसमें कॉज जो है वो फ्रैक्चर ऑफ सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस थी जिसकी वजह से उसकी एक्सिलरी नर्व जो है वो डैमेज हुई और ही वॉज अनएबल टू परफॉर्म एबडक्शन ऑफ आर्म बियॉन्ड 15 डिग्रीज, और उसके अलावा उसको पारेस्थीजिया भी था, नमनेस थी उसको इन दी बैच रीजन, ठीक है, ओवर द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द शोल्डर। अब ये क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं, नेम द नर्व विच इज एसोसिएटेड विद द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, फिर उसकी वो कह रहे हैं कि कोर्स एंड ब्रांचेस इस नर्व की दे दें। अच्छा, डायरेक्टली भी बाज दफ़ा डायग्नोसिस बना दिया जाता है कि जी ये एक्सिलरी नर्व डैमेज हुई थी, अब उससे आगे वो क्वेश्चन बनाते हैं कि फिर कोर्स एंड ब्रांचेस दें उस नर्व की या उससे भी आगे, लेकिन बाज दफ़ा वो नर्व का नाम नहीं बताते लेकिन आपसे पूछते हैं कि नेम द नर्व विच इज़ एसोसिएटेड विद द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, गिव द कोर्स एंड ब्रांचेस ऑफ दिस नर्व, हाउ डू द साइन एंड सिम्टम्स आर रिलेटेड टू दिस नर्व डैमेज। ठीक है, तो साइन एंड सिम्टम्स कैसे रिलेट किए हैं जो हमने ऊपर बताए थे, वो फिर हम उसमें बताएंगे कि मसल इफेक्ट हुए और जो सेंसरी सप्लाई इफेक्ट हुई उसकी वजह से। अच्छा, अब इसमें एडिशनली और भी क्या हो सकता है कि वो पूछ सकते हैं कि गिव द ओरिजिन इंसर्शन नर्व सप्लाई एंड एक्शंस ऑफ मसल्स पैरालाइज्ड ड्यू टू दिस नर्व डैमेज, तो कौन से मसल्स इस नर्व से सप्लाई थे, डेल्टॉइड एंड द टीरीज माइनर। अब व्हाई द पेशेंट वॉज एबल टू परफॉर्म 15 डिग्री एबडक्शन, ठीक है, तो अब वो क्या पूछ रहा है कि 15 डिग्री एबडक्शन जो है वो कैसे परफॉर्म कर ली उसने। ठीक है, तो ये सवालों के सारे आपने जवाब देने हैं और इसको आप लिखें, अटेम्प्ट करें, ताकि आपका ये पार्ट जो है इसका तैयार हो जाए। थैंक यू।